खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, एएसआई ने सर्वे करना शुरू कर दिया है, लेकिन परिसर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सैंपल एएसआई जो है वो कलेक्ट कर रही है? देखिए, जो सील किया गया था, जो जगह सील किया गया था, वजू खाना या फिर यूं कहे कि कथित शिवलिंग या फिर कथित फव्वारा, वो जो जगह था उसको कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था। उसके इतर जितने भी परिक्षेत्र में जितने भी दीवार हैं, जितने भी कलाकृतियां हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितनी भी वहां जमीन के अंदर अगर कुछ मिलता है तो वो है, उन सभी का जो है राडार तरीके से यानी साइंटिफिक सर्वे होगा, वैज्ञानिक तरीके से उसका परीक्षण होगा। एएसआई की टीम देर रात ही पहुंच गई थी, सर्किट हाउस में रुकी हुई थी वाराणसी के, उसके बाद सुबह 7 बजे से उसको सर्वे करना था, 6:30 बजे वह वहां पे पहुंच गई, गेट नंबर 4 से वो एंट्री लेती है और सर्वे शुरू कर देती है। बाहर जमवाड़ा लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, दोनों पक्ष के लोग वहां पे उपस्थित हैं, कोर्ट ने आदेश भी किया था और खुद विभागीय तौर पे भी सबको कह दिया गया था कि आप जो है दोनों पक्ष जो वादी हैं और जो प्रतिवादी हैं दोनों पक्ष वहां पे उपस्थित रहे, उनके सामने जो सर्वे होगा उनके सामने होगा, जो वहां पे डेटा कलेक्ट की जाएगी, जो वहां पे वस्तु कलेक्ट किया जाएगा, जो वहां पे दीवारों की कलाकृतियां जो उकेरी गई हैं उसको जब इकट्ठा किया जाएगा, तब आप दोनों पक्षों का वहां पे रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहा जाता है, जैसे राम मंदिर के वक्त जब यहाँ पे एएसआई सर्वेक्षण टीम आई थी तो तमाम तरीके के उन पे आरोप लगे कि उनको जो वादी पक्ष है उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, वहां पे प्लांटेड किया गया, बहुत सारे तमाम जो है सोशल मीडिया और लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा। इस बार जो है कमिश्नर ने कल ही बैठक कर ली थी इस बाबत, कोर्ट के आदेश के बाद 16 जुलाई को इस मामले में ये मांग की गई थी, और जब कुछ 2 दिन पहले ही इस मामले में आया है, इस पे आदेश आया है कि 4 अगस्त को अगला तारीख पड़ा हुआ है, कोर्ट ने तारीख दिया है 4 अगस्त को एएसआई को ये सर्वेक्षण करके रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करना है, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो कलाकृतियां हैं वो किस सभ्यता से जुड़ी हुई है, उसकी अवधि कब है, क्योंकि एएसआई जब सर्वे करती है इस तरीके से और तब ये इस बात को देख करके सबसे ज्यादा ताकीद करती है कि जो कलाकृति है उस किस सभ्यता से जुड़ी हुई है, ये कितने पुराने लोग हैं जब इस तरीके की कलाकृति बनाई जाती थी, वो जो दीवाले हैं, जो मिट्टी है, जो उस पे रंग रोगन की गई है, चाहे वहां पे अंदर कोई वस्तु है, वो कितनी पुरानी पाई जा रही है, इससे पता चल जाएगा कि ये कितनी पुरानी मंदिर है, कितनी पुरानी दीवाल है या फिर कितनी पुरानी मस्जिद है। इसके बाद ये एएसआई जब अपनी रिपोर्ट इकट्ठा करके कोर्ट में दाखिल करेगा तब साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो हिंदू पक्ष है वो सही है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सही है। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि हिंदू पक्ष इसको लेकर सर्वे कराने को लेकर के निचली अदालत से लेकर के जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया कि आप जांच कर दीजिए और बता दीजिए कि आखिरकार ये दीवाल मंदिर का है कि नहीं है, लेकिन वहीं पर मुस्लिम पक्ष जो है इस पे इसको रोक लगाने की बात लगातार करती रही है, और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में जो है कैविएट दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट में इस सर्वे को रोकने के लिए जो है वहां पे अपील की है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में जब तक ये सुनवाई हो उसके पहले ही जो एएसआई की टीम थी, जो कमिश्नर थे, इस बाबत पहले ही बैठक और मीटिंग कर लिए थे और आज सुबह 7 बजे से ही सर्वे शुरू कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, लोगों की नजर जो है मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल किए गए सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल यही है घनश्याम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जो है मुस्लिम पक्ष ने अपील की है और ऐसे में एएसआई अपना यहां पर सर्वे कर रही है, आज इस पूरे ही मामले में सुनवाई होगी तो क्या माना जाए, क्योंकि तमाम जो कलाकृतियां हैं उनको आधार बनाया गया, इतिहास में जो किताबें हैं उनमें जिस बातों का जिक्र है उसको लेकर भी जो है इस पूरे ही पक्ष में हिंदू की तरफ से आधार बनाया गया है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है? देखिए, जांच की बात है और क्या दलीलें देती है मुस्लिम पक्ष जो है ज्ञानवापी परिसर को लेकर के
क्या दलील देती है वो तो मुस्लिम पक्ष ही जानेगा, लेकिन इसमें जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आमतौर पे अगर किसी की सर्वे और किसी की जांच किसी भी मामले में, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर इस तरीके के मामले में, जब कोई कोर्ट या अदालत जो है जब किसी जांच का आदेश देता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि ऊपरी अदालत उस पर रोक लगाती है, क्योंकि जांच अगर नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। जांच के मामले में कम ही ऐसा होता है कि अपर कोर्ट जाकर के इस पे रोक लगाती है। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का निर्णय ले उसके पहले यह सर्वे हो जाएगा, और अगर ये कोर्ट में दाखिल हो गया तो फिर इसको निचली, कम से कम निचली अदालत जो है इस बाबत और एक जो है एक बिंदु तक पहुंचने में कामयाब होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दर्जनों मुकदमे सुनवाइयां चल रही है इस पे। हालांकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निचली अदालत का रुख करिए, निचली अदालत में जाइए, वहां पे सुनवाई करिए, निचली अदालत से जब कुछ रिजल्ट आता है, जब कोई निर्णय आता है तब हमारे पास आइए, क्योंकि ये सुनवाई योग्य हाईकोर्ट या फिर सिविल कोर्ट या निचली अदालत है। तो जाहिर बात है इस बार भी ये लोग गए हैं, ऊपर गए हैं, कैविएट दाखिल करेंगे और इस पे सुनवाई भी आज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ दलील देते हैं रुकवाने के लिए, क्या कुछ तथ्य देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और सुनवाई के दौरान पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो हिंदू पक्ष के अंदर एक उत्साह भरा हुआ है, तस्वीरें जो साफ तौर पे देख रहे हैं, उनकी जो बाइट, जो उनकी जो बयानात हम लोगों ने सुना उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो लोग बहुत खुश है। उनका कहना है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर मुस्लिम पक्ष अगर कह रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है तो जांच कराने में क्या हर्ज है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है घनश्याम, मुस्लिम पक्ष के वकील का आखिर क्या कुछ कहना है, क्योंकि दावा वो भी कर रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, ये मात्र एक फव्वारा है, और अगर एएसआई इस पूरे ही मामले में जांच कर रही है तो थोड़ा धैर्य मुस्लिम पक्ष को रखना चाहिए ताकि एएसआई अपनी जांच करे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। तो ऐसे में सहयोग मुस्लिम पक्ष को भी करना चाहिए, उन्हीं का दावा और ज्यादा भी मजबूत हो सकता है इसके बाद। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन यह स्वतंत्र देश का स्वतंत्र कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, और यहाँ पे सभी लोगों का हक है कि एक उचित फोरम में जाकर के वो अपनी बात करें और वो अपनी बात रखें। और यही कारण है कि जब निचली अदालत का कोई निर्णय आता है, कोई आदेश आता है, तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसके ऊंची अदालत में जाकर के वो उसके खिलाफ जा सकता है, वो अपना पक्ष रख सकता है, इस बाबत रख सकता है कि उसकी जो सुनवाई हुई, जो निचली कोर्ट में सुनवाई हुई, उसकी बात को सही ढंग से कोर्ट ने नहीं सुना। अब इन सब सारे बाबत और तथ्यों को लेकर के ऊपर जा रहे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अगर इसको स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो इस पे जाहिर बात है किसी मामले में अगर जांच हो जाती है या फिर आपको जांच व्यवस्था पे विश्वास नहीं है या फिर आपको एएसआई पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे विश्वास नहीं है, बिल्कुल घनश्याम, तो देखना होगा इस मामले में आखिर एएसआई लगातार जो है वो सर्वे कर रही है, और ऐसे में मुस्लिम पक्ष को भी सहयोग इसमें करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया घनश्याम तमाम जानकारी के लिए, और वक्त एक छोटे से